सरबरा तरीके लब्बैक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए। नमाज़े जनाजा कल बरोज़ हफ्ता दिन 10 बजे मीनारे पाकिस्तान लाहौर में अदा की जाएगी। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को चंद रोज से बुखार और सांस लेने में दुश्वारी थी। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी हाफिज़े कुरान और शेखुल हदीस भी थे। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और दीगर सियासी और मजहबी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। कराची सर्कुलर रेलवे ट्रेन बाकायदा चल पड़ी। सिटी स्टेशन से रवाना होने वाली ट्रेन पिपरी से आधा घंटा लेट वापस सिटी स्टेशन पहुंच गई। आज मुसाफिर बगैर टिकट सफर कर रहे हैं। बोगियों को खसूसी तौर पर सजाया गया। अवाम की आवाज 24 न्यूज की बंदिश का 81वां रोज। अवाम पसंदीदा चैनल और हकाइक पर मबनी खबरें देखने से महरूम। मुल्क भर में सहाफियों और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। आज उर्दू के दो बड़े शुआरा को याद करने का दिन। फैज अहमद फैज को बिछड़े 36 बरस हो गए। फैज की शायरी का फैज आज भी जारी। अहमद नदीम कासमी भी भूले नहीं भुलाए जा सकते। शायर अफसाना नवीस और अदीब अहमद नदीम कासमी का आज यौम पैदाइश। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। यूनिसेफ के मुताबिक दुनिया में रोजाना 24,000 बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं। नमूनिये से बच्चों के अंबाप में पाकिस्तान का दुनिया में तीसरा नंबर।